तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और ग्रीस के बीच में इस समय एक ही पॉलिसी चल रही है और वो है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान म्यूचुअली भारत और ग्रीस दोनों के दुश्मन हैं। और जब पाकिस्तान और टर्की आपस में एक होकर भारत और ग्रीस के खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत और ग्रीस मिलकर पाकिस्तान और टर्की को काउंटर करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करें? बिल्कुल हो सकता है, ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल सी है। बस समस्या ये थी कि काफी समय तक, या ये कहें कि आजादी से लेकर आज तक, हम लोगों ने हमेशा ही ग्रीस को नजरअंदाज किया, जबकि पाकिस्तान और टर्की काफी पहले से ही, बिल्कुल आजादी के बाद से कह दीजिए, आपस में साजगांठ करते रहे। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज की परिस्थिति यह है कि भारत और ग्रीस एक दूसरे के बहुत मजबूत दोस्त बन चुके हैं। दोनों देशों के जो आम लोग हैं उनके बीच में भी आपसी विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डिफेंस की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में कई सारे समझौते हुए और इन फ्यूचर कई सारे होने वाले हैं। इवन आने वाले कुछ ही समय में हम लोग बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स भी दोनों देशों के बीच में देख सकते हैं। अगर ग्रीस की बात की जाए तो ग्रीस ने भारत से दोस्ती निभाना भी शुरू कर दी। हम लोगों ने कल ही एक वीडियो में जाना कि पहले पाकिस्तान को पुराने हो चुके F-16 देने से इनकार कर दिया ग्रीस ने, तो फिर लेटेस्ट खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान की पुरानी सबमरीन्स को अपग्रेड करने के लिए बैटरीज चाहिए थी या पुरानी बैटरीज की मरम्मत चाहिए थी, जो कि ग्रीक फर्म्स बड़ी आसानी से करके दे सकती थी। लेकिन भारत को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट को बेकार बनाने के लिए ग्रीस ने अपनी सर्विस और नई बैटरीज देने से इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार ग्रीस भारत के लिए दोस्ती निभाता जा रहा है। अब एक और नई खबर निकल कर आई है जो एक्सपेक्टेड थी पहले से, कि हाँ ग्रीस इस तरह से कुछ करने वाला है भारत के लिए, और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे भारत ने जापान के लिए किया था। एग्जैक्टली वही सारी चीजें ग्रीस भारत के लिए करने जा रहा है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी एकदम एंड तक देखते हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भाई, नया साल शुरू हो चुका है, चौथा महीना चल रहा है और अब समय आ चुका है जमाने भर के युद्ध अभ्यासों का। और हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था कि भारत नेटो देशों के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए पहली बार अपना रफाल फाइटर जेट फ्रांस में आयोजित होने वाले वॉर गेम में लेकर जाने वाला है। तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पर भारत के पायलट्स रफाल को लेकर कई सारे करतब दिखाने वाले हैं। लेकिन इसी तरह का एक युद्ध अभ्यास होने जा रहा है ग्रीस में, और भारत और ग्रीस के बीच में काफी समय से इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है कि ग्रीस चूंकि F-16 का काफी बड़ा उपयोग करता है, लगभग 100 की संख्या में F-16C जो कि पाकिस्तानी F-16 से भी ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा एडवांस है, उनको इस्तेमाल करता है। तो बताया जा रहा है कि भारत को ग्रीस काफी कुछ चीजें बताने जा रहा है F-16 से संबंधित, यानी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जो कि भारत को पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करने में बहुत ज्यादा मदद मिल देगा। हालांकि अब पाकिस्तान का F-16 हो या फिर ग्रीस का F-16 हो या फिर डायरेक्टली अमेरिका का F-16 हो, ये हमारे लिए आज की परिस्थिति में उतनी बड़ी चुनौती नहीं रह गए हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट हमारी वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा। दोनों देशों की वायुसेना के बीच में भी काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। हमारे एयर चीफ मार्शल्स के भी कुछ विजिट हुए थे ग्रीस में, जिस दौरान इन सारी बातों को लेकर समझौते तय हुए हैं। यहाँ तक की चीजें बताई जाती है कि ग्रीस भारत को TB2 के बारे में भी कई सारी जानकारियां देने वाला है, और उसके आज तक जितने भी रडार क्रॉस सेक्शंस वगैरह को रिकॉर्ड किया है ग्रीस द्वारा, वो सारी की सारी चीजें ग्रीस भारत को देने जा रहा है, क्योंकि टर्की काफी बड़े पैमाने पर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करता है, खुद ही डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है ऑब्वियसली, और ग्रीस को परेशान करने के लिए वो उसका सबसे बड़ा हथियार इस समय बना हुआ है। अब उसी तरह के ड्रोन वगैरह पाकिस्तान को भी दे रखे हैं टर्की द्वारा, तो काफी कुछ मदद भारत को मिल सकती है इन ड्रोन के खिलाफ ग्रीस की इन्फॉर्मेशन का। हालांकि इस समय की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि भारत की वायुसेना अपने Su-30 MKI ग्रीस लेकर जाने वाली है, जहां पर मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें ग्रीस तो होगा ही होगा, साथ में होगा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन का भी नाम बताया जा रहा है लेकिन उसका अभी फाइनल नहीं है, इसी के अलावा होगा सऊदी अरेबिया। तो इस दौरान बताया जा रहा है कि ग्रीस के F-16 और भारत के Su-30 MKI का आमना सामना होने जा रहा है, और इसी दौरान F-16 से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि भारत को दी जाएगी ग्रीस द्वारा, और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है INEOCHOS 2023। तो रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी Su-30 MKI और F-16 के बीच में, तो यहाँ पर भारतीय पायलट्स को अंदाजा हो जाएगा कि F-16 युद्ध की स्थिति में किस तरह का बिहेव करता है और उसे रोकने के लिए, उसके निराकरण के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। और ये INEOCHOS जो 2023 होने वाला है, ये इसी महीने होने जा रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI विमानों को लेकर जाएगी। वैसे अभी भी मैं आपको बता दूं कि एक आधी दो बार आप युद्ध अभ्यास किसी फाइटर जेट के साथ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उसका सारा का सारा एक्सपीरियंस ले लेंगे,
क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि रफाल के साथ भी पाकिस्तानी वायुसेना युद्ध अभ्यास कर चुकी है। कतर की तरफ से रफाल भेजे गए थे, टर्की इसके अलावा टर्की की तरफ से F-16 वगैरह भेजे गए थे और पाकिस्तान की तरफ से भी शायद F-16 या JF-17 वगैरह भेजे गए थे, जिसको लेकर युद्ध अभ्यास हुआ था संयुक्त रूप से टर्की के अंदर। तो उस समय पाकिस्तानी भी इस तरह का दावा कर रहे थे कि देखिए पाकिस्तानी पायलट्स तो रफाल को उड़ा रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें कही गई थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ हद तक एक्सपीरियंस जरूर हो सकता है, जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा भारत और जापान के बीच में जो बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई थी उसमें भारत की तरफ से जापान के बहुत ज्यादा अनुरोध के बाद Sukhoi-30 MKI भेजे गए थे, जिस बात को लेकर चाइना भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि जापानीज के लिए पहला मौका था जब वो लोग Su-30 MKI के खिलाफ किसी तरह का कोई युद्ध अभ्यास करते, जो Sukhoi-30 MKI या उसी की तरह कई सारे फाइटर जेट चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और साथ में रशियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। तो एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर होने ही वाला है।